व्हाइल लूप में हम सिंपली क्या करते हैं, मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, इसको भी इनिशियलाइज कर रहा हूँ ज़ीरो से, फिर व्हाइल का कीवर्ड यूज़ किया, फिर ये बनाया। अब यहाँ पर हम कंडीशन बता देंगे, यहाँ पर है। फिर हमने क्या किया, एको में वैल्यू प्रिंट कराई, मैंने क्या किया, और यहाँ पर इस डॉलर जे में इंक्रीमेंट करा दिया, सेट है। अब हम जाके ये चलाते हैं, और तो हमारे पास क्या हुआ, देखो 0 to 4 चल रहा है, मैंने क्या किया था, लेस देन 5 रखा था ना, सही है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 0 से स्टार्ट लें, आप चाहें तो यहाँ पर 3 से भी स्टार्ट ले लें, यानी जिस नंबर से आप स्टार्ट लेना चाहें, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये दो आइट्रेशन कराएगा आपको, एक तो 3 की और एक 4 की। तो हम यहाँ पर जाके देखते हैं, तो देखें दे रहा 3 और 4 से, दो ही आइट्रेशन की ना, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब से कब तक चलाना चाहती हैं, और ज़्यादातर ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पर। जब हम कोई डेटा वेटा फेच कर रहे होते हैं तो उस पे होता है, या हम कोई एरे से वैल्यू सिलेक्ट कर रहे होते हैं उस पे होता है। यानी हम ये डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं करते कहीं, ये हम अपने ये दूसरी चीज़ों के साथ अटैच करके यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो फर्दर अभी हम आगे चल के देखेंगे।